हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम दीपाली गोयल, स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि कौन किसे रक्त देगा। अब ये जो कंसेप्ट है कि कौन किसको रक्त देगा या कौन किससे रक्त लेगा, यानी कि क्या मैं आपको अपना रक्त दे सकती हूँ या आप मुझे अपना रक्त दे सकते हो, क्या मैं आपका रक्त ले सकती हूँ या आप मेरा रक्त ले सकते हो, ये जो बात है ये कंसेप्ट से समझनी बहुत मुश्किल है। और कंसेप्ट से समझनी आप लोगों के लिए ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। तो मैं आपको आज एक टेबल सिखाऊंगी बनानी, जिससे कि आप कभी भूलोगे भी नहीं, और दूसरा कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। अब एक और बात सुनिए कि ये जो टेबल है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल भी है और पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से भी है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव वाली टेबल जनरली एग्जाम में नहीं पूछी जाती, पूछी ये जाती है। मैं आपको ये भी याद करवाऊंगी, वो भी याद करवाऊंगी, लेकिन इस टेबल को आपको नहीं भूलना। इस लेक्चर को मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस लेक्चर को मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार याद करोगे दोबारा कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं चार प्रकार के, ए बी ओ और ए बी। टेबल बनाने से पहले दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ जो ब्लड ग्रुप है वो होते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसका मतलब है कि जिस इंसान का ब्लड ग्रुप ओ होगा वह क्या होता है, वह होता है सर्वदाता, यानी वो सबको अपना रक्त दे सकता है। किसी को भी बॉडी में, किसी की भी बॉडी में रक्त की कमी होती है तो ये दे सकता है सभी को। और इसी के साथ दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी जिस तरह ओ सबको रक्त दे सकता है यह सबसे रक्त ले सकता है, यह है सर्वग्राही। इतनी बात समझ में आ गई। ओ क्या है, देने वाला सबको, और ए बी क्या है, लेने वाला सबसे, ठीक है। अब बनाएंगे टेबल, अब बनाएंगे क्या टेबल। चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, ब्लड ग्रुप। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप यानी सबसे पहले लिख रहे हैं क्या, रक्त समूह। फिर लिखेंगे देना या देगा, यानी डोनेट। और फिर लिखेंगे लेगा। देखो इस टेबल को ऐसे ही बनाना है आपको, और ये टेबल मेरे बनाने के बाद आप लोगों ने खुद से पक्का ट्राई करनी है, ठीक है। तो टेबल हमारी शुरू हो गई है। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। तो हम चार बॉक्सेस बना देते हैं, बन गए। ब्लड ग्रुप है हमारा ए बी ओ और ए बी, सही है, कोई प्रॉब्लम। समझो ओ सबको ब्लड दे सकता है, ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर, ओ सबको ब्लड दे सकता है। तो यहां पे ओ कहां पे है, ये रहा, ओ सबको ब्लड दे सकता है, ओ सबको ब्लड दे सकता है। तो हम यहां लिखेंगे क्या, ओ सबको ब्लड दे सकता है, यानी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, खुद को भी ओ को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। अगली बात, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी कहाँ है, ए बी सबसे ब्लड दे सकता है, नहीं, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ए बी ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कब तक पढ़ा सकती हूँ, जब तक आप मुझसे पढ़ सकते हो। मतलब अगर मेरे को आपको कुछ देना है तो मैं तभी दे पाऊंगी ना जब आप मुझसे लोगे। यानी कि ओ अगर ए को ब्लड दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए ओ से ले रहा होगा, क्या बोला मैंने, ए ओ से ले रहा होगा, ए ओ से ले रहा होगा। ओ ए को ब्लड दे रहा है तो ए ले भी तो रहा होगा ना, ओ कह रहा है ले ए मेरा ब्लड ले ले, अगर ए अगर पकड़ेगा ही नहीं तो नहीं लेगा ना वो। तो ए ने क्या किया है, पकड़ भी लिया है, तो ए किससे ले रहा है, ओ से ले रहा है। इसी तरीके से बी किससे ले रहा है, ओ से ले रहा है। इसी तरीके से ओ किससे ले रहा है, ओ से ले रहा है। और ए भी किससे ले रहा है, ए भी तो सबसे लेता है, ओ हमने पहले से लिखा हुआ है,
अब मैंने क्या बोला, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है। ए बी कह रहा है मुझे ब्लड दे, ले सबसे सकता है ए बी, लेकिन सामने देने वाला भी तो होना चाहिए ना, यानी कि सब ए बी को ब्लड दे रहे हैं, तो ए भी, ए क्या है, ए बी को ब्लड दे रहा होगा, बी ए बी को ब्लड दे रहा होगा, ओ ए बी को ब्लड पता ये देगा, और ए बी भी ए बी को ब्लड दे रहा होगा। ठीक है, अब क्या बचा, अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे ए लिखा है ना, तो इसके आगे ए लिख दो, इसके आगे भी ए लिख दो, बी लिखा है ना तो इसके आगे बी लिख दो, इसके आगे भी बी लिख दो, ओ लिखा है ना तो इसमें ओ भी है, ओ, ए भी लिखा है, ए बी बन गई हमारी टेबल। यानी कि ए जो है वो किस किस को रक्त दे सकता है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मैं ए को भी ब्लड दे सकती हूँ और ए बी को भी दे सकती हूँ, ओ और बी को नहीं दे सकती। मैं किससे ब्लड ले सकती हूँ, तो मैं या तो ओ से ले सकती हूँ या ए से ले सकती हूँ, बस। बी अगर मेरा ब्लड ग्रुप है, जो कि है, तो बी ब्लड ग्रुप अगर मेरा है तो मैं किसको रक्त दे सकती हूँ, बी को या ए बी को, और किससे ले सकती हूँ, ओ से या बी से। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं सबको दे सकती हूँ, लेकिन ले किससे सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे ब्लड ग्रुप से, यानी ओ से। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं दे तो सिर्फ ए बी को सकती हूँ, लेकिन ले किससे सकती हूँ, सभी से। तो ये टेबल हमारी बन गई, एक बार रिपीट कर रही हूँ टेबल, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ओ सबसे ब्लड ले सकता है तो ओ के आगे लेने में सबका नाम लिख दिया, ए बी सबको ब्लड दे सकता है तो ए बी के देने में सब, सॉरी, ओ सबको ब्लड दे सकता है तो ओ के देने में सबका नाम लिख दिया, ए बी सबसे ब्लड ले सकता है तो ए बी के लेने में सबका नाम लिख दिया। ओ रक्त दे रहा है तो सारे ले भी तो रहे होंगे, तो ओ से ए बी ले रहा है, बी भी ले रहा है, ओ भी ले रहा है, ए बी भी ले रहा है, ए बी, ओ से, हाँ, ए बी सबको, ए बी सबसे रक्त ले सकता है तो सब उसको दे भी रहे होंगे, तो ए बी को ए बी दे रहा है, बी भी दे रहा है, ओ भी दे रहा है, और ए बी दे भी दे रहा है। उसके बाद कुछ नहीं करना, ए के आगे ए लिखना है, बी के आगे बी, ओ के आगे ओ लिखा हुआ है, ए बी के आगे ए बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टेबल कंप्लीट होती है। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको कि बी किसको रक्त दे सकता है। अब आपको क्या करना है, ये टेबल ना सीखने के बाद 5 से 6 बार बनानी है, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में भी आपको पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही रह जाएगा कि किसमें क्या था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बी किसको रक्त दे सकता है, आप बोलोगे बी दे सकता है ए बी को और बी को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये दो ही है कि कौन सबको ब्लड दे सकता है, ओ, कौन सबसे ब्लड ले सकता है, ए बी। तो यहाँ पर हमारा, हमारी वीडियो कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है होती है खत्म। आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ में आई होगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।